अखिलेश यादव ने की जाति जनगणना पर सीएम नीतीश कुमार की तारीफ। जानिए क्या यूपी में भी खेला जाएगा ये सियासी दाव। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बिहार में होने वाली जाति जनगणना पर नीतीश सरकार की तारीफ की। अखिलेश यादव ने कहा कि जाति सर्वेक्षण होना ही चाहिए। उन्होंने कहा, बिहार में ये हो रहा है तो मैं इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई देता हूँ। उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना की जरूरत बताते हुए अखिलेश बोले, अब यहाँ जाति सर्वेक्षण नहीं होता है। 1931 में अंग्रेजों ने भी इस बारे में सोचा था, ऐसा कदम उठाना चाहिए। विभिन्न जातियों और समुदायों को संविधान के अधिकार तभी दिए जा सकते हैं जब उनकी गिनती मालूम हो। उन्होंने कहा कि इस तरह के सर्वे से सभी जातियों का विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। अखिलेश यादव ने ये बातें रविवार को समाजवादी पार्टी के सदस्य और पूर्व सांसद के नाम पर बने जैनेश्वर मिश्रा पार्क में कही। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी लंबे समय से इस तरह के सर्वेक्षण की मांग कर रही है और हमने अपनी चुनावी रैलियों के दौरान भी सरकार बनने के 3 महीने के भीतर इसे शुरू करने का वादा किया था। यूपी की मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यहाँ यूपी में गरीब हो या कोई और तबका, आज न्याय की उम्मीद कोई नहीं कर सकता। लोकतंत्र और संविधान ने हमें जो अधिकार दिए हैं वे अधिकार भी छीने जा रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर ऐसे फैसले ले रही है जिससे मुट्ठी भर उद्योगपतियों को फायदा हो। इससे तो जनता परेशान हो ही रही है, लेकिन बीजेपी सभी संस्थानों में अपने लोगों का बढ़ावा दे रही है। अखिलेश बोले कि यूपी में अब इस पार्टी के दिन गिने चुने हैं। उन्होंने कहा, मैं आज कहना चाहता हूं, उनकी राज्य कार्यकारिणी बैठी तो कहा गया कि केवल 398 दिन बचे हैं। अपने हालिया तेलंगाना दौरे के बारे में अखिलेश ने कहा कि हम वहां तेलंगाना के मुख्यमंत्री के निमंत्रण पर गए थे, जिन्होंने कई अन्य मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया था। उन्होंने जैनेश्वर मिश्रा को श्रद्धांजलि अर्पित कर कहा, हम आज जैनेश्वर मिश्रा जी को याद कर रहे हैं। उन्होंने और नेताजी ने समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाया था। आज हम सब संकल्प लेते हैं कि हम इस आंदोलन को और आगे ले जाएंगे। आप सभी का इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल ट्रिगर न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे अगर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।